खाना तक नहीं बना? नहीं बना। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ भूखे बैठे हैं, खाना अल्लाह से दुआ करो सुना ठीक है, और भी बस लोगों को मदद कर सकू मैं तो देख। रोटी नहीं खाया बना अपने भाई, कुछ नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। और खाना कैसे बनता है देख लीजिएगा आप लोग, ये देखिए देखिए अम्मा बेटा है और किस हालत में जी रहा देख लीजिए। दोस्त फिरोजाबाद में मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ, यहाँ पे जो है इन लोगों का बहुत बुरा हाल है और चार पांच दिन से फिरोजाबाद में बारिश बहुत तेज हो रहा है, तो आप लोग देखते पूरा पानी पानी भरा हुआ और इनका हालत में यहाँ पे दिखा, तो इनका सरकार को देखना चाहिए कि इनका घर भी नहीं है, छत भी नहीं है और किस हालत में ये लोग जी रहा है आप लोग खुद ही देख सकते हैं। आप लोग इनसे भी इधर भी देख लीजिएगा, इधर भी देखिए क्या हालत से ये लोग जी रहा है देखिए, और पूरा चारों तरफ आपको पानी पानी नजर आएगा, वैसे बारिश तो हो ही रहा है और हालत और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ठीक है, ये है आप लोग देख सकते हैं घर, देखिए कितना कितना बड़ा खाना कैसे बनता है देख लीजिएगा आप लोग, ये देखिए देखिए अम्मा बेटा है और किस हालत में जी रहा है देख लीजिए देखिए। कल से खाना तक नहीं बना? नहीं बना। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ भूखे बैठे हैं, खाना तक नहीं है, आप लोग देखिए कहाँ पे खाना, ये गैस सिलेंडर पे नहीं है कि आप लोग खाना बना के खा सके खुद, तो देखिए ठीक है। और दूसरी बात इधर देखिए पानी पानी है, चार और घर दिखाता आप लोगों को सही देखिए, ये देखिए मकान ठीक है, ये लोग जो है डेली कमाते डेली खाते हैं और चार पांच दिन से बारिश हो रहा है, इतना तेज बारिश हुआ कि अब पूछे मत, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं किस तरह से जी रहा है देख लीजिएगा एयर के लिए, और इधर भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आइए, ये देखिए ये देख लीजिए कैसे, और ये देख लीजिए पानी और ये घर मकान, दो दिन से भूखे हैं खाना तक नहीं है यहाँ, नसीब नहीं हो रहा देख लीजिएगा, और इधर देखिए पानी पानी किस तरह से पानी भर गए, ये कौन से जगह अम्मा जरा बताइए, लालू कहाँ पर है? अच्छा आपका ये लालू गांव है ना? हाँ। ये लालू गांव का अंदर है, क्या नाम है आपका? अच्छा तो देख लीजिएगा कितना कितना बुरा हालात में है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो बड़े बड़े जो हमारा MLA प्रधान ओगी जी उनके पास पहुँचे और इनका कुछ मदद हो सके और यहाँ पर आए इनका मदद करे। और अम्मा का देखिए तबीयत भी बहुत बहुत खराब है, बुखार भी है, हाँ बुखार भी है, क्या करेंगे इस तरह से देख लीजिए आप लोग क्या हालत में है, है ना देखिए बहुत परेशान है, देखिए देखिए क्या हालत में है, ये देख के मेरा खुद आंखों में आंसू आ जा रहा है यहाँ इन लोगों का हालत देख के, हाँ बहुत हालत खराब है इन लोगों का, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट क्या करें, माँ भी नहीं है इनकी, अच्छा माँ भी नहीं है देखिए आप पाल रहे हो, बताओ क्या हालत में है आप लोग खुद ही देखिए, तो आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन है रिक्वेस्ट है आप लोग यहाँ पे आए और इनके मदद जरूर कीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे कैसे जी रहे, अच्छा बताइए क्या खाना है, क्या तीन दिन रोटी नहीं खाई, तीन दिन से रोटी नहीं खाया अपने भाई, कुछ नहीं बन रहे हैं, कुछ नहीं बन रहा है, बनने नहीं है क्या है? तो डेली कमाते डेली खाते आप लोग, रोज कमाते रोज खाते हैं भाई, क्या देखिए ये देखिए मकान देख, खाना रोज कमाना, रोज कमाना डेली खाना, और देखिए चारों तरफ पानी पानी आप लोगों को नजर आएगा, बारिश के चक्कर में बहुत हालात खराब हो गए। तो देखिए मैं थोड़ा बहुत मदद करने की कोशिश की, तो अम्मा देखिए फिर पीछे आ जाओ, दो तीन दिन में चल जाएगा, चल जाएगा।
अभी तबियत कैसा है? अभी भी बुखार है? तबियत खराब है, दवाई लेने का भी पैसा नहीं है। तो देख लीजिए कितना तबियत खराब है और पैसा भी नहीं है इलाज करने का, है ना? देखिए आप लोगों का तीन फैमिली है तो तीन लोग तीन फैमिली के लिए दिया, ठीक है, और इसमें दो तीन दिन तक चली जाएगा क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा पैसा वाला नहीं हूँ। अगर होता तो बस हमें दुआ कीजिएगा, है ना, इंशाल्लाह इसी तरह मैं और भी लोगों को मदद कर सकूँ, ठीक है। आप लोगों को बस दुआ चाहिए, ठीक है, ठीक है, और कुछ नहीं, अल्लाह से दुआ कर दूँ ना, ठीक है, और भी बस लोगों को मदद कर सकूँ मैं। तो देख लीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसी तरह लोगों का आप लोग भी मदद कीजिए प्लीज़। जो गरीब है, दुखी, जिसके पास पैसा नहीं है, जो इलाज के लिए पैसा नहीं है, उनका मदद हो, आप लोगों के पास पैसे हैं तो प्लीज़ इन जैसे लोगों का मदद जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। जो पैसे वाले जो मदद कर सके उनके पास पहुँचे, इन जैसे लोगों का, भाई लोगों का, अम्मा का, ठीक है, हेल्प हो सके। बस आपका भाई का मकसद यही है और कुछ नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए।